गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी की हत्या का बदला लेने के ताक में घूम रहे 4 लाख के इनामी 4 शूटरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शूटरों में जितेंद्र गोगी, लॉरेंस बिश्नोई और अशोक प्रधान गैंग के बदमाश शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के झज्जर गांव निवासी अनुज उर्फ मोहित, लखीमपुर खीरी के दुलारपुर निवासी हर्ष उर्फ मिथुन, हरियाणा के फिरोजपुर बांगर निवासी सागर राणा उर्फ काला और बहादुरगढ़ के अशोदा निवासी सुमित उर्फ कालू शामिल हैं। इन शूटरों से 9 ऑटोमेटिक पिस्टल, 123 कारतूस और 2 कारें बरामद हुई हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट, जबरन उगाही समेत 20 से ज़्यादा मामलों को सुलझाने का दावा किया है। स्पेशल सेल के स्पेशल CP नीरज ठाकुर ने बताया कि सूचना थी कि गोगी के विरोधी गैंग के सदस्यों को ठिकाने लगाने के लिए 1 अक्टूबर को कुछ बदमाश खेड़ा गाँव में आने वाले हैं। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम ने खेरा गांव में डेरा डाल दिया। जैसे ही कार सवार आरोपी वहां पहुंचे, एक इंस्पेक्टर ने अपनी कार उनके सामने रोक दी। खुद को घिरा देखकर एक बदमाश ने गोली चला दी। इस दौरान इंस्पेक्टर मान सिंह बाल बाल बच गए। तत्काल अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि इस दौरान उनके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश जितेंद्र गोगी की हत्या का प्लान लेने के लिए टीलू ताजपुरी और इसके गिरोह के कई सदस्यों की एक साथ हत्या करना चाहते थे। इन शूटरों की समय से गिरफ्तारी होने से गैंगवार की बड़ी घटना टल गई है। पुलिस मौके से फरार 2 शूटरों की तलाश कर रही है।